नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। आज भी इस सिलसिला जारी रहा। सीएम नीतीश कुमार ने 67.64 करोड़ रुपए की 177 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 68.66 करोड़ की लागत से 119 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 102.94 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। पटना स्मार्ट सिटी अंतर्गत 15.97 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भवन का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर मोबाइल टावर एंड ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डिस्पोजल सिस्टम का भी शुभारंभ किया गया। पटना के गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन का उद्घाटन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा एवं लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत 6097 तालाब पोखर का जीर्णोद्धार, 1701 छोटी नदियों नालों पर चेक डैम, 1328 सरकारी भवनों में छतवर्ष जल संचयन हेतु संरचनाएं, 85233 सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोखता निर्माण, इसके अलावा 3166 सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर मोबाइल टावर एंड ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डिस्पोजल सिस्टम, इसका जो शुभारंभ करवाया है मामूली बात नहीं है। ये तो हुआ था कि 6 महीना में ये काम हो सकेगा, आपने 1 महीना में इस काम को कर दिया, इसके लिए तो मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो अनेक काम किए गए, अब इसकी चर्चा तो की जा चुकी है लेकिन कुछ बातों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और जो काम आप लोगों ने किया है, खास करके जो बिहार शरीफ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, पटना में भी इसके लिए जो भवन का निर्माण हो रहा है उसका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। और एलजेपी को लेकर एनडीए में खींचतान जारी है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तुलना राजकुमार से करते हुए कहा कि ऐसे लोग सहारा हटते ही औकात पर आ जाते हैं। गुलाम गौस के इस बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। एलजेपी को लेकर एनडीए में विवाद जारी है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस के बयान से यह विवाद और गहरा गया। गुलाम गौस ने इशारों में एलजेपी मुखिया चिराग पासवान को राजकुमार बताया और कहा कि वंशवाद की परंपरा कांग्रेस से शुरू हुई और दूसरे दलों में फैल गई। गौस यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वक्त आने पर ऐसे लोगों को अपनी औकात पता चल जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम से हो गई थी, वंशवाद की परंपरा, लेकिन जितने भी जो राजकुमार हैं, राजनीतिक राजकुमार प्रिंसेस, वो सही माने में दूसरे के कंधों पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा कद बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जिस दिन निचला जो अपना कंधा झाड़ देगा तो जो ऊपर बैठा हुआ उसका नाक दांत मुंह सब टूट जाएगा। लंबाई समझ में आ जाएगी हम कितने लंबे हैं, औकात समझ में आ जाएगा राजनीति की। जेडीयू ने जहां गुलाम गौस के बयान का समर्थन किया है, वहीं जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। गुलाम गौस जी बड़ा अनुभवी लीडर रहे हैं और राजद में रहे, बाद में हमारे यहाँ आया, अभी एमएलसी है, पुराने अनुभव वाले हैं। वो एक उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमेशा पॉलिटिकल आदमी को अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। किसी का कोई चीज में पकड़ होता है, किसी का कोई चीज में पकड़ होता है, लेकिन जब हम एक टीम के रूप में बढ़ते हैं तो सभी के गुणों के कारण ही सफल होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस रूप में हम सभी को लेना चाहिए और सभी को गठबंधन धर्म के सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए। एनडीए में जारी घमासान पर आरजेडी ने चुटकी लेते हुए इसे चिराग पासवान की बेइज्जती बताया। एनडीए का जो आग लगा हुआ है एनडीए में, तो एनडीए खाक होने जा रहा है। अब चिराग पासवान जी को सोचना है कि दांत मुंह बचाना है कि जड़वाना है जेडीयू के नेताओं से। गुलाम गौस के बयान पर एलजेपी ने एतराज जताते हुए पलटवार किया है। गुलाम गौस साहब
हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, आप पहले अपने नेताओं की फिक्र कीजिए जिनको डेली जनता ढेला और पत्थर लेकर के दौड़ा रही है और भागते चल रहे। एनडीए के बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर बयानबाजी हो रही है उससे ये साफ हो गया है कि एनडीए में खटपट अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनडीए में जहां एलजेपी को लेकर घमासान मचा है तो वहीं महागठबंधन के हालात भी जुदा नहीं है। सीटों को लेकर यहां भी संग्राम मचा है। बातचीत के जरिए सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महागठबंधन के लिए संकेत फिलहाल अच्छे नहीं है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन में शामिल सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दूसरी पार्टियों के नेताओं से टेलीफोन पर बात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से बात की। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से सीटों को लेकर राय मांगी है। उधर कांग्रेस से बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद उनकी मुकेश सहनी से बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 140 सीटों पर अपना दावा कर रही है। कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिलने की उम्मीद है। वाम दलों ने 53 सीटों की मांग की है। आरएलएसपी को 15 से 20 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी कोटे से सीटें मिलेंगी। आरएलएसपी की मांग है कि महागठबंधन में जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। पांच पार्टनर है तो सब लोगों के मन से कुछ होगा, कोई एक व्यक्ति जो चाहे हो जाए सब, ऐसा होता नहीं है। इसलिए किसी एक के मेरे या किसी एक के चाहने का मतलब नहीं है। कुल मिला जुलाकर बिहार की जनता का इंटरेस्ट कैसे एड्रेस हम लोग कर पाए, यह हम लोगों के सामने होता है और इसको ध्यान में रखते हुए चीजों को तय करते हैं। कभी नहीं हम लोग मांगे हैं, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए और वो हम सब गठबंधन के साथ ही बैठ के डिसाइड करेंगे। दो सीट, चार सीट कम ज्यादा मिले, ये सब हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रहता है। कैसे महागठबंधन हमारी सरकार बिहार में बने उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुकूल सारे व्यवस्था पे काम किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, ऐसे में महागठबंधन के अंदर सभी पार्टियों की डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए अंदर खाने प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सीवान पहुंचे, जहां निराला नगर स्थित भगवान पैलेस में पूर्व सीएम रघुवर दास का कार्यक्रम रखा गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जनसंवाद किया। रघुवर दास ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार और बिहार की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि एनडीए एक मजबूत संगठन है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। एकदम एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सबको साथ लेकर चलने में यकीन करती है। मोदी जी को, बीजेपी को 303 एमपी मिलने के बाद भी हम एनडीए को साथ लेकर मंत्रिमंडल बना। और बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर गांव में दहेज की खातिर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति बीएसएफ का जवान है जो त्रिपुरा में पदस्थापित था और कुछ दिन पहले ही घर आया था। बताया ही जा रहा है कि दहेज की खातिर अक्सर पति पत्नी के बीच आपसी कहासुनी भी होती थी और इसी विवाद में पति रितेश ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी अमरपुर थाने में दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति रितेश चौधरी और ससुर रविंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। फारबिसगंज के रेड लाइट एरिया से 5 महिला समेत 15 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में हिरासत में लिया। पटना सीआईडी के इस छापेमारी अभियान में फारबिसगंज पुलिस ने भी साथ दिया है। पटना सीआईडी को यहां देह व्यापार की सूचना मिली थी जिसके आधार पर छापेमारी की गई। सभी लोग आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। जो एरिया चिन्हित एरिया था और यहां के जो इनपुट्स थे उस इनपुट्स पर हम लोगों ने छापेमारी किया है।
कई एक दो लोग जो संदिग्ध आचरण के हैं उनको जांच क्षेत्र थाना भेजा गया। कितने लोगों को पकड़ा गया? दो लोगों को जांच के लिए, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं दिखाया, बोल रहे थे कि हम इसी घर में रहते हैं, किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं था। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों के नाम पर बच्चों के खाते में दी गई सहायता राशि की बिचौलियों ने जमकर बंदर बांट के, दरअसल घोटालेबाजों ने जिसे जितना चाहा उतनी राशि आवंटित कर दी और जितना चाहा उतना खाते से निकाल भी लिया। मामला मधेपुरा के चौसा प्रखंड अंतर्गत चिरौरी पंचायत का है, जहां बाढ़ राहत सहायता राशि वितरण में काफी अनियमितता का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर डीएम नवदीप शुक्ला निर्देशन में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया और आपदा प्रबंधन प्रभारी एडीएम मामले की अब जांच में जुट चुके हैं। तो कौन आपसे ये खाता नंबर लिया था? रणवीर कुमार। कौन है रणवीर कुमार? रणवीर कुमार बिलास मंडल का। बिलास मंडल कलर का? हाँ। क्या बोला था वो आपको? हमको बोला था क्या पैसा मेरा दोस्त है भेजेगा 6,000 रुपया, उसमें से तुमको 1,000 देंगे देगा, तब 5,000 रुपया वही लेगा। कल के 6,000 टका मिलते, 1,000 तो रखे हैं, 5,000 ले लो। के रुपेश अगले लिया तुमसे पैसा? हाँ। कितना पैसा लिया? 5,000। बोला कि खाता नंबर दीजिए, 6,000 रुपया आएगा, उसके 5,000 आपको दे देंगे, 5,000 हम ले लेंगे। कुछ गलतियां हुई हैं तो निश्चित रूप से जो लिस्ट देने वाले लोग हैं और जो लिस्ट एंट्री करने वाले लोग हैं उनके तरफ से कुछ भूल हुई होगी। अब ये जांच के बाद इसका फलाफल निकलेगा कि किस स्तर पे क्या भूल हुई है और जिन्होंने भूल किया है उनके प्रोपोर्शनेट उनको सजा भी मिलेगा। छपरा में अस्पताल भवन निर्माण में उपयोग के लिए हरे पेड़ों की अवैध कटाई कराई गई। जल जीवन हरियाली को धता बता रहे हरे पेड़ों की जा रही कटाई की सूचना पर वन विभाग के पदाधिकारी पहुंचे और पेड़ों की जांच की। मामला मडौरा स्थित नव निर्मित अनुमंडलीय अस्पताल का है। ढुलाई कार्यों के लिए बल्ली के रूप में प्रयोग करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लिपस्टिक के पेड़ काटे गए। जल जीवन हरियाली के तहत राज्य सरकार पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए वृक्ष लगाने का अभियान चला रही है, लेकिन अभी मढ़ौरा के हम रेफरल अस्पताल में है, आप देख सकते हैं रेफरल अस्पताल के नए भवन का जो है काम शुरू किया गया है और इसमें जो लगाए जा रहे हैं सेटरिंग के लिए जिन लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है, देखेंगे तब ताज़ा लकड़ी जो है ये, और इसका उपयोग किया जा रहा है, हरा भरा जो है ये पूरा पेड़ है जिसको काटना निश्चित रूप से दंडनीय अपराध भी है, इसके बावजूद भी बड़े संख्या में जो है यहाँ पे ताजे पेड़ जो है काट के सेटरिंग के लिए लाए गए हैं और इसके जो कर्ता धरता है आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से ये पौधा कहाँ से पेड़ लाए हैं? भटौरा से लाए हैं। काट के लाए हैं जी? किस अनुमति लिए? हाँ, उनका अनुपत्ति है, उनका अपना पेड़ लगाया हुआ था, वो अपना कटवाए हैं, लेकिन अपना पेड़ भी काटने के लिए वन विभाग और से मतलब लेना? ये सब सिर्फ खाली बल्ली के लिए, जो हेवी पेड़ नहीं होता है, ये छोटा ही पेड़ आ जाता है, ये गिरा हुआ था पानी में इसलिए कटवाया उन्होंने। मुझे सूचना प्राप्त हुआ है कि हॉस्पिटल में एक लिप्टस का लकड़ी आया हुआ है, और जब हम हॉस्पिटल में आए तो यहाँ मुझे पता चला कि ग्रामीण के द्वारा उनके अपना बगीचा में था वो लकड़ी को काट कर करके, और संगत है या नहीं ये बताइए? नियम तो संगत नहीं है, उनको सूचना देना चाहिए था पहले। पहले उनको सूचना जाकर के वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में देना चाहिए था। तो निश्चित रूप से वन विभाग के पदाधिकारियों की जब इसकी सूचना मिली है तो वो घटनास्थल पे पहुंच गए हैं और इस मामले के जांच में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन बिपिन के